रुपए की बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अच्छा कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे गुल्लू कहाँ थे इतने दिनों से? हाँ भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, कह के अब गुल्लू बोल रहा है ना तो कुछ खास ही होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए। सॉरी सॉरी सॉरी। कमलनाथ जी का उद्देश्य मध्य प्रदेश की जनता की भलाई नहीं है, नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। और सोनिया गांधी का उद्देश्य राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब मुझे बताओ भाई, जो लोग अपने परिवार के बेटों का कल्याण करते हो वो आपका कल्याण कर सकते हैं क्या? नहीं। वैसे तो अमित शाह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परिवारवाद बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन अब लोगों की तरफ से यह भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि माना कि कमलनाथ जी और सोनिया गांधी अपने बेटे के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन अमित शाह जी अपने बेटे को किस टैलेंट के आधार पे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रखे हैं? आप बोल ना। उसका मुंह देखें जैसा का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू टू गेट अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। उसका बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनना परिवारवाद है कि नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? जली ना। भाई कहते हैं ना, बुरा ना मानो हो लिया, बस उसी तरीके से इन चीजों को ज्यादा तुल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है और देखा जाए तो सारे ही राजनीतिक पार्टियों में परिवारवाद है, इससे कोई भी अछूता नहीं है, लेकिन सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग एक दूसरे के ऊपर इसी तरीके से खींचातानी करते रहते हैं। लेकिन अब अमित शाह जी के इसी बयान पे लोगों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आने शुरू हो चुके हैं। चलो चल के देखते। तो इसी पे शिवम कुमार नामक यूजर लिखते हैं, ये व्यक्ति अपने अनपढ़ बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनवाते हैं, जैसा अगर अमित शाह का बेटा ना होता तो कहीं चूरन चाट रहा होता। गजब बेइज्जती है। तो रितु चौधरी लिखती है, आपने तो अपना लक्ष्य पूरा कर लिया ना, अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाकर अमित शाह जी। एक और यूजर लिखते हैं, आपका लक्ष्य बिना चुना बेटे को बीसीसीआई सचिव बनाना तो पूरा हो चुका है ना, क्या ये आपके बिना चाय हो गया? सचिव बनाने के लिए नियम बदले गए क्या? अपने आप नियम बदल गए? आपके बेटे की काबिलियत क्या थी? मैं नहीं बताऊंगा। बस हवा निकल गई। वैसे आप नेताओं के ऐसे परिवारवाद वाले बयान को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।